अहर्निश भजन किया, अहर्निश संपूर्ण रात्रि केवल मीराबाई जी की बात नहीं है, जिन जिन के चित्त में यह व्याकुलता जगी है वे भक्त कभी सोए नहीं रात में, यहां तो सारी रात सोने के बाद भी उठे तो आज तो सवेरा जल्दी हो गया। अरे सवेरा तो समय से हुआ है, दिन भर सोने के बाद रात भर सोने के बाद भी पेट ना भरे
तो सवेरा कहाँ जल्दी हो गया, सवेरा तो समय से हुआ है। पर निद्रया ह्रियते नक्तम, संपूर्ण रात्रि। अब सुखदेव जी बता रहे हैं, हम लोग कहते हैं ना समय नहीं है, तो समय कहाँ गया, किस किसने चुरा लिया? रात का समय नींद ने चुरा लिया, नहीं नींद ने तो व्यसन ने, और नहीं व्यसन ने तो विषय भोग ने। तो ठीक है, रात्रि नहीं भजन कर सकते तो दिन में तो भजन किया जाए। तो बोले कुटुंब भरणे, अब दिन में भजन करेंगे कि कमाएंगे, धंधा करेंगे? तो 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे कमाओगे, उसके बाद एक आध घंटा ही निकाल लो। नहीं नहीं, कुटुंब वर्णेन वा दिवाचार थे हया राजन, कुटुंब वर्णेन वा जो एक आध दो घंटे का समय मिलेगा भी तो उसमें फिर गप मारेंगे, इधर उधर की बातें करेंगे, निंदा स्तुति करेंगे। तो आधे घंटा फेरी में तो आ जाओ। नहीं नहीं, आधे घंटे का समय नहीं है, ये हम लोगों की स्थिति है। सबसे पहली समस्या यही है कि समय नहीं है। अरे समय नहीं है तो कहाँ गया समय? नरदेही दीनी सुमिरन को, ये शरीर मिला ही, ये समय मिला ही भजन के लिए था। पर मो पापी सो कछु ना सरी, जग में जन्म पाप बहु कीने, आदि अंतलो सब बिगरी, सूर पतित तुम पतित उदाहरण, अपने विरद की लाज धरी, तुम प्रभु मोसो बहुत करी, गर्भवास अतित्रास अधोमुख, तहां न मेरी सुध विसरी। 9 महीने तक जीव गर्भ में पड़ा रहता है, ना मैया खिला सकती है, ना बाप खिला सकता है, ना दुनिया का कोई डॉक्टर उस बालक को खिला सकता है, और ना रक्षा कर सकता है। अतित्रास, अत्यंत कष्ट में 9 महीने जीव पड़ा रहता है, जठराग्नि जल रही है, अनेकानेक प्रकार के कीटाणु वहां पल रहे हैं, मल मूत्र में मस्तक गड़ा हुआ है। लेकिन हे भगवान, तहां न मेरी सुध विसरी, आप वहां भी मुझे नहीं भूले। पावक जठर जरन नहीं दीनो, कंचन सी मम देह करी, जठराग्नि में आपने मुझे जलने नहीं दिया। छोटा सा मांस का लोथड़ा ही तो गर्भ में बालक होता है, 1-2 महीने का बालक मांस का पिंड ही तो होता है। अब जो लोग मांस भक्षी होते हैं वो तो कई कई किलो मांस भक्षण कर जाते हैं, और वही मांस पच जाता है, जठराग्नि उसे पचा देती है, और वहीं ये जीव पड़ा है, ये भी मांस का एक पिंड है, पर जठराग्नि छू भी नहीं सकती उस जीव को। ये कितनी बड़ी व्यवस्था है ठाकुर जी की, कोई बचा सकता है क्या, या कोई रक्षा कर सकता है? पावक जठर जरन नहीं दीनो, कंचन सी मम दे करी, और सोने जैसा शरीर मुझे दिया, और उसके बाद भी जग में जन्म पाप बहु कीने, आदि अंतलों सब बिगरी। बाकी तो सब कुछ किया सिवाय आपके भजन के अलावा, सब कुछ किया। तुम प्रभु मोसो बहुत करी, हे नाथ आपने तो बहुत किया, बहुत कृपा करी, पर हमने क्या किया? अरे 24 घंटे में से मत 24 घंटा भजन करो, कोई नहीं कर सकता, पर कम से कम 24 घंटे में से आधा घंटा 1 घंटा तो ठाकुर जी को, भक्ति नहीं है तो कृतज्ञता की दृष्टि से ही समर्पित करो। 1 गिलास पानी भी जिसका लेते हो तो एहसान आभार जीवन भर मानते हो, और जिसका दिया सब कुछ भोग रहे हो, खा पी रहे हो, जिसकी दी हुई जलवायु भोग रहे हो, 1 मिनट श्वास ना आए तो मरणासन्न स्थिति हो जाए। तो उन भगवान के लिए क्या 1 घंटा आभार के लिए भी नहीं दे सकते? हमारी आप सबसे प्रार्थना है, यहाँ बहुत जगह के वैष्णव पधारे हुए हैं, खंडेवला से भी आए हैं, मेई से भी बहुत वैष्णव पधारे हैं, भैरावणा से भी आए हैं, और सब जगह प्रभात फेरियां चल रही हैं, और हम बारंबार, अभी 2 महीने पूर्व ही कथा हुई थी मेई ग्राम में, वहाँ सबसे हमने हाथ जोड़ जोड़ के निवेदन किया, बड़ी सुंदर प्रभात फेरी और संध्या फेरी वहाँ की चलने लग गई। पर अब स्थिति क्या है, अब तो हमें इतना जानकारी नहीं है, लेकिन हमारी आप सबसे प्रार्थना है, शिथिल नहीं पड़ना चाहिए साधन, प्रतिक्षण वर्धमानम, प्रेम का पहचान ही ये है कि जो हर क्षण बढ़े, शिथिलता नहीं आनी चाहिए। 7 दिन कथा हो तो खूब धूम मचावे, नगर में गावे नाचे, और फिर उसके बाद वही मामला ठंडा पड़ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पर मेई ग्राम की कथा के बाद हमने ऐसा भी सुना कि बहरावड़े में और भी आसपास के गांवों में, कई गांवों में बड़ी जोर शोर से प्रभात फेरियां चलने लगी, बहुत जोर शोर से, सैकड़ों सैकड़ों भक्तों की संख्या में प्रभात फेरी हो रही है, सैकड़ों सैकड़ों भक्त प्रभात फेरी संध्या फेरी में जा रहे हैं। बहुत अच्छी, आप सब जो जो भी लोग प्रभात फेरी में जाते हैं, हम उन सब के चरणों में प्रणाम करते हैं।
हम लोग प्रयास, क्योंकि थोड़ा सा दूर हम लोग रुके हुए हैं, लेकिन कल से हम लोग प्रयास करेंगे यहाँ की प्रभात फेरी में हम लोग भी सम्मिलित हों। और आप सबसे भी हम प्रार्थना करेंगे कि अधिकाधिक संख्या में प्रभात फेरी में आओ। और हम आपसे प्रार्थना ये करना चाहते हैं, चाहे 10 कदम चल के आप लौट जाइए, चाहे 10 मिनट का नियम करके आप लौट जाइए, पर नियमित रूप से आओ। नियमितता आवश्यक है, निरंतरता सावधान में बहुत आवश्यक है। जब नियम से खाते हो, नियम से सोते हो, नियम से धंधा करते हो, नियम से बाकी सब काम करते हो, तो नियम से भजन क्यों नहीं कर सकते हो? नियम से प्रभात फेरी में क्यों नहीं आ सकते हो? ठीक है, आप कहेंगे घर में हम आधे घंटा भजन कर लेते हैं, मानस जी पाठ कर लेते हैं, वो सब ठीक है, जो करते हो सो करते रहो, पर प्रभात फेरी को जरूर पकड़ो। क्योंकि देखो भैया, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जी ने का भाव है, पशु पक्षी कीट भृंग बोली ते न पारे, सुनी ले हरि नाम तारा सब तरे, जपी ले तो हरि नाम करिया निज साधन, उच्च संकीर्तन करे परोपकारे। आप आधे घंटा घर में बैठ के साधन करोगे, उससे आपका अपना कल्याण होगा, पर गली गली घूमते घूमते उच्च स्वर से जब आप संकीर्तन करोगे, तो पशु पक्षियों का, सोते हुए लोगों का, और अनंतानंत जीवाणु परमाणु जो आपको दिखाई भी नहीं पड़ रहे, उनका स्पर्श भी जब आपके मुंह से निकली हुई वायु करेगी, तो उन अनंतानंत जीवों का कल्याण हो जाएगा। और उन अनंत जीवों के कल्याण का लाभ आपको सहज में 10 मिनट में प्राप्त हो जाएगा, 10 कदम चलने में प्राप्त हो जाएगा। प्रभात फेरी नगर संकीर्तन से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं है। आप घर में माला करें, माँ जो पाठ करें सो करें, पर हमारी आप सबसे प्रार्थना है, 2-3 प्रभात फेरियां यहाँ चलती हैं, आपको जहाँ की प्रभात फेरी में सम्मिलित होना सुविधाजनक लगे, जहाँ आपकी सुविधा हो, वहाँ जाके आप 10 कदम चलिए, 10 मिनट चलिए, बारम्बार हमारी आपसे प्रार्थना है। क्योंकि सुखदेव जी महाराज जिस समय मरणासन्न जीव का कर्तव्य परीक्षित जी ने पूछा है, एक ही बात कही है, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। सुनो, गाओ, सुनने गाने से क्या होगा, प्रभात फेरी में श्रवण भी होगा, कीर्तन भी होगा, और फिर वहां से लौटोगे तो स्मृति भी बनी रहेगी। 10-20 मिनट भगवान नाम संकीर्तन करो तो कीर्तन करने के बाद भी 10-20 मिनट तो स्मृति रहती रहती है, न चाहे भी याद भजन की रहती है। श्रवण कीर्तन ऐसा हो कि वो हमारी स्मृति में बैठ जाए, वो हमारे स्मरण में बैठ जाए। स्मरण और चिंतन में अंतर है। स्मरण में प्रयास करना पड़ता है, स्मरण में प्रयास नहीं करना पड़ता, और चिंतन में प्रयास करना पड़ता है। जैसे आपसे किसी ने नाम पूछा, आपका नाम क्या है, तो आपको ये थोड़ी सोचना पड़ेगा, हम सोच के बताते हैं क्या नाम है, सोचना थोड़ी पड़ेगा, वो स्मरण है जिसमें सोचना नहीं पड़ा, आपको सदा याद है कि मेरा नाम ये है। और चिंतन वो है, आप कथा सुन के गए, घर में जाके 10 मिनट बैठे, आज कथा में क्या हमने सुना, कौन से सिद्धांतों को सुना, किन बातों को सुना, वो चिंतन है। बिना प्रयास के जो याद रहे वो स्मरण है, और प्रयास से जिसको याद रखा जाए वो चिंतन है। श्रवण और कीर्तन से सबसे बड़ा लाभ ये है कि भगवान नाम की स्मृति बन जाती है, फिर नाम को याद करने की आवश्यकता नहीं है, नाम स्मृति बनकर बैठ जाएगा, वो सदा याद रहेगा, बिना प्रयास के याद रहेगा। इसलिए श्रोतव्य सुनो, कीर्तितव्य फिर उसको गाओ, और फिर स्मर्तव्य फिर उसकी याद करो, और कोई साधन नहीं, और कुछ नहीं कहा। अंत जन्म लाभ पर पुंसाम अंते नारायण स्मृति, जीवन का परम लाभ इसी में है कि अंतिम समय में श्री भगवान की स्मृति हो जाए, भगवान की याद बनी रहे, यही सब साधनों का फल है, यही जीवन का परम फल है। पर भैया एक बात ध्यान रखो, मरते मरते आप सोचेंगे जब मरते समय भगवान को याद करने का इतना बड़ा लाभ है, तो फिर जीते जी झांझ पीटने की और ढोल बजाने की क्या जरूरत है, फिर मरते मरते ही कर लेंगे याद। मरते समय उसी वस्तु का चिंतन होगा जहां सबसे ज्यादा जीते जी आपकी प्रियता रही होगी। जीते जी जो पापड़ बेले हैं ना, वही मरते दम याद आएंगे। ऐसा नहीं कि जीवन में तो खूब कमाओ खाओ और फिर मरते मरते भगवान को याद, आप चाहोगे तो भी भगवान याद नहीं आएंगे मरते समय। अभ्यास होना चाहिए, अभी से अभ्यास करो, आधे घंटा स्मरण का नियम बनाओ, 1 घंटा भगवत कीर्तन का, भगवान नाम संकीर्तन का नियम बनाओ, तब ना मरते समय याद आएंगे।
ऐसे कहां से मरते समय भगवान? तो भगवान नाम संकीर्तन योगी नाम नृप निर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम। सुखदेव जी कह रहे हैं परीक्षित जी, ये मेरा निर्णय नहीं, संसार के सब महात्माओं का, सब शास्त्रों का, सबका निर्णय है कि भगवान नाम संकीर्तन ही सभी का सार है, सर्वस्व है। नाम संकीर्तन, भगवान नाम। और उसमें हम लोग आलस कर जाते हैं, सुबह सुबह कैसे उठें, कैसे निद्रा त्यागें, कैसे निद्रा खुले। श्री स्वामी हरदास जी महाराज का पद है, हरि के नाम में क्यों आलस करत, अरे काल फिरत सर सांधे। हीरा बहुत जवाहर संचे कहा वयो हस्ती दर बांधे। जीवन भर हीरा कमाया और पैसा ढेला कमाया, ये गाड़ी खरीद ली और ये घोड़ा खरीद लिया, ये हाथी खरीद लिया, बेर कुबेर कछु नहीं जाने, चढ़ो फिरत है कांधे। चाहे जितना कमा लो आखिर में तो वही चार कंधों पे चढ़ के ही जाना है, हीरा जवाहरत साथ नहीं जाएंगे। कहे हरदास कछु ना चलत जब आवत अंत की आंधे। जब अंतिम समय की आंधी आएगी तो हीरा जवाहरत थोड़ी कोई कुछ कर पाएंगे, हीरा जवाहरत सब यहीं के यहीं रह जाएंगे। इसलिए भैया केवल भगवान नाम संकीर्तन, केवल नाम संकीर्तन। गोविंद मेरी यह प्रार्थना है, भूलूं कभी नाम नाम तुम्हारा, निष्काम होकर दिन रात गाऊं, गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जाते मन को लुभाते, गाती यही मैं मननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्यारे जरा तो मन में विचारो, क्या साथ लाए क्या ले चलोगे, जावे सदा यही साथ पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। श्री कृष्ण गोविंद हरे नारायण वासुदेवा। नाता भला क्या जग से हमारा, आए यहाँ क्यों कर क्या रहे हो, सोचो विचारो हरि को पुकारो, गोविंद दामोदर माधवेती। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सच्चे सखा है हरि ही हमारे, माता पिता स्वामी बंधु सारे, भूलो न भाई दिन रात गावो, गोविंद दामोदर
कीर्तनम केवल हरिनाम संकीर्तन ही मरण धर्मा जीव का कर्तव्य है और मरण धर्मा हम तुम सब हैं, मरने वाले सब हैं। ऐसा कोई हो तो बता दो जिसके मरने में संदेह हो। ये संदेह कहीं नहीं है, मरना तो सभी को है और हर मरने वाले जीव का कर्तव्य है श्रवण कीर्तन और स्मरण। खूब सुनो, खूब गाओ और खूब स्मरण करो, याद रखो। आगे सुखदेव जी महाराज ने परम वैराग्य धर्म का उपदेश दिया है। परीक्षित जी का प्रश्न इतना सुंदर था कि जब भी कोई वक्ता अगर बोलता है तो बोलने के पूर्व वो मंगलाचरण करता है, पर परीक्षित जी का प्रश्न इतना सुंदर था कि सुखदेव जी महाराज साक्षात उत्तर देने लग गए, सीधे मंगलाचरण करना ही भूल गए। तीन अध्याय बाद जाके चौथे अध्याय में सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया है। सुखदेव जी ने मंगलाचरण के रूप में श्री भगवान की स्तुति की, स्तवन किया है। बड़ी सुंदर स्तुति है और उस स्तुति का भाव, एक भाव हम लोग सुन लें। किरात हूणांध्र पुलिंद पुलकसा आभीर कंका यवनाह खसादयः येन्य च पापा यदुपाश्रयाश्रयाः शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभु विष्णवे नमः। सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे भगवान, आपके आश्रित जनों का भी आश्रय लेने वाले किरात हो, हूण हो, पुलिंद हो, पुलकस हो, यवन हो, ये जितनी भी पाप योनियां हैं, और सुखदेव जी कह रहे हैं इनके अतिरिक्त भी अगर कोई पाप योनि हो जिसका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, येन्य च पापा, जितनी भी पाप योनियां संसार में हैं और हो सकती हैं, वे भी जिस समय आपके आश्रित जनों का आश्रय लेती हैं या नाम का आश्रय या आपके आश्रितों का आश्रय लेती हैं तो उनका तत्काल कल्याण हो जाता है, अनुक्षण कल्याण हो जाता है। सुखदेव जी महाराज के इसी श्लोक का भाव, इसी श्लोक का भाव गोसाई जी महाराज ने कहा है। पाईना केही गति पतित पावन राम भज सुन षठ मना। पाईना केही गति पतित पावन राम भज सुने सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे भना। गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे भना। किसका कल्याण नहीं हुआ, एक उदाहरण कोई बता दे, और कितनों का कल्याण हो गया। गोसाई जी महाराज उदाहरण दे रहे हैं, व्याध गीध गज स्वपच, किसका कल्याण नहीं हुआ। और वही भाव जो सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, आभीर जवान किरात खस स्वपचादि अति अघ। अति अघ योनिया है, अत्यंत पाप योनिया, चांडाल, जो स्वाद सुपच उसको कहा गया, जो श्वान का, कुत्ते का मांस भी बिना पकाए खा जाते हैं, ऐसी ऐसी पाप योनिया है संसार में, अति अघरू, अत्यंत पाप रूप है। लेकिन कही नाम बारक ते पी पावन हो ही राम नमामि ते। कही नाम बारक ते पी पावन हो ही राम नमामि ते। रघुवंश
श्रम के, बिना मेहनत के कलिमल भी नष्ट हो जाएगा, मनोमल भी नष्ट हो जाएगा और सहज में भगवत धाम के अधिकारी हो जाओगे। केवल सुखदेव जी की स्तुति की बात नहीं है, श्रीमद् भागवत जी के किसी भी उपाख्यान को, किसी भी प्रकरण को आप उलट पुलट कर देख लें तो उसका सार केवल भगवान नाम ही आएगा आखिर में, और कुछ नहीं, केवल भगवान नाम। यदि संपूर्ण 18,000 श्लोक को, 12 स्कंद 335 अध्याय के सार को एक शब्द में कहा जाए तो वह भी भगवान नाम संकीर्तन है, और कुछ नहीं। क्योंकि श्रीमद् भागवत जी का प्रारंभिक श्लोक जहाँ से भागवत जी शुरू हुई है, योगी नाम नृपनर्णीतम हरेर नामानुकीर्तनम, वहाँ भी कीर्तन, और भागवत जी का अंतिम श्लोक यदि देखें तो नाम संकीर्तनम यस्य, वहाँ भी कीर्तन। आद्योपांत भगवान नाम संकीर्तन के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिखाई पड़ेगा। इसलिए नाम यदि जीवन में आ जाए, हम दृढ़ता से, परिपक्वता से नाम को पकड़ लें तो श्रीमद् भागवत जी भी जीवन में आ गई, श्रीमद् गीता जी भी जीवन में आ गई, श्री भक्तमाल जी भी जीवन में आ गई। क्योंकि समस्त सदग्रंथों का, सभी शास्त्रों का एकमात्र सार भगवान नाम ही है, सबका पर्यवसान भगवान नाम में है। बहुत दिव्य स्तुति सुखदेव जी महाराज ने की है, परीक्षित जी महाराज ने कुछ सृष्टि विषयक प्रश्न श्री सुखदेव जी से किए हैं, सुखदेव जी महाराज ने उनका उत्तर दिया है। एक बार श्री ब्रह्मा जी को सृष्टि बनाने की भगवान ने आज्ञा की, लेकिन सृष्टि निर्माण के लिए दो शक्तियों की आवश्यकता होती है, एक तो ज्ञान शक्ति, एक क्रिया शक्ति। ये दोनों शक्तियां ब्रह्मा जी को प्राप्त नहीं थी, अतः श्री ब्रह्मा जी ने तप किया भगवत प्रेरणा से, भगवान ने दर्शन दिया और भगवान ने दर्शन देके अपने सगुण निर्गुण स्वरूप का स्पष्टीकरण, सृष्टि बनाने की सामर्थ्य ब्रह्मा जी को प्रदान की है। ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन प्राप्त करते ही एक जिज्ञासा रखी, हे प्रभो, कुछ लोग आपको सगुण साकार कहते हैं तो कुछ निर्गुण निराकार कहते हैं, हम आपसे ही जानना चाहते हैं कि आपका वास्तविक स्वरूप क्या है। भगवान ने चार श्लोक कहे हैं, पहले श्लोक में भगवत तत्व, दूसरे श्लोक में माया तत्व, तीसरे श्लोक में भक्त तत्व और चौथे श्लोक में भक्ति तत्व, ये चार तत्व कहे हैं। ये संपूर्ण चतुश्लोक की भागवत जी का सार है, मूल है भागवत का। यही चार श्लोक जो भगवान ब्रह्मा जी को दे रहे हैं, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, नारद जी ने व्यास जी को, और व्यास जी ने 18,000 श्लोकों के रूप में इसकी व्याख्या की है। प्रथम श्लोक में श्री ठाकुर जी कह रहे हैं, अहम एवा समेवाग्रे नान्यत यत सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च योव शिष्येत सोऽस्म्यहम्। तीन बार अहम शब्द का प्रयोग किया, और ये बात सब लोग जानते हैं, तीन बात जो बात कह दी जाए त्रिवाचा रूप में वो बात बिल्कुल पक्की हो जाती है, एकदम पक्का निर्णय भगवान।